सो गुड इवनिंग बेटा जी, नाउ टेल मी ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू? वी आर डिस्कसिंग माय डियर फ्रेंड डीसी टू डीसी कन्वर्टर, ओके, जिसमें हम लोग बहुत सारे मुद्दों पे बात कर चुके थे अगर आपको याद हो। सो वी वांट टू डिस्कस डीसी टू डीसी कन्वर्टर रेस्ट पार्ट। तो हर एक चीज को आगे बढ़ते हुए डीसी टू डीसी कन्वर्टर डीसी एक बार सभी लोग बेटा शेयर और लाइक कर दीजिए। डीसी टू डीसी स्टेप डाउन चॉपर विथ फिल्टर, हम बात कर रहे हैं विथ फिल्टर, ओके, विथ फिल्टर। इसमें हम लोग बहुत सारी बेटा बहुत सारे मुद्दों पे बात कर चुके हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं सीधे वेवफॉर्म्स की। तो अगर हम वेवफॉर्म्स उठाएं, अगर हम बेटा वेवफॉर्म्स उठाएं, अच्छा, इंडक्टर करंट क्या मानी थी बेटा हम लोगों ने? कंटिन्यूअस, ठीक है। इंडक्टर करंट क्या मानी बेटा? कंटिन्यूअस। और अगर इंडक्टर करंट कंटिन्यूअस मान लें तो अपनी वेवफॉर्म जो इंडक्टर करंट की होगी और रेस्ट की, वो कुछ ऐसी बनेंगी, ओके, ऑब्जर्वेशन करते रहना, वो कुछ ऐसी बनेंगी। अब वेवफॉर्म पे हम लोग एक बार में थोड़ा मूव करते हैं, बट उससे पहले जो सबसे बड़ा पॉइंट निकल के आ रहा वाला वो ये है कि सर इंडक्टर वोल्टेज पे बात हो गई, एवरेज करंट पे बात हो गई, सभी पे बात हो गई, तो सर अगर हम लोग बात करें डिफरेंट टाइप ऑफ करंट की तो वो कैसी ड्रॉ होंगी? तो ऑब्जर्वेशन करना बेटा, मैं सारी वेवफॉर्म बनाने जा रहा हूं। अगर इसकी बात करें तो ये हो गया सप्लाई वोल्टेज। अब लोड वोल्टेज की मैं बाद में बात करूंगा, ओके। और यहां बात करें बेटा तो ये हो गया इंडक्टर करंट। ये क्या हो गया बेटा? इंडक्टर करंट। तो ऑब्जर्वेशन करते रहे इंडक्टर करंट। नाउ बेटा वी कैन राइट दिस करंट इज IL मिन, दिस करंट बेटा इज IL मैक्स, दिस करंट इज IL मैक्स एंड दिस करंट बेटा IL t, ठीक है। ऐसे यहां पे पढ़े तो वी नॉट टी कुछ आएगा, ये Vs हो जाएगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम टी, ओके। अब हमें पता है बेटा कि कुछ टाइम के लिए अपना चॉपर ऑन रहेगा और कुछ टाइम के लिए बेटा अपना डायोड ऑन रहेगा, ओके। कुछ टाइम के लिए चॉपर ऑन रहेगा और कुछ टाइम के लिए डायोड ऑन रहेगा। तो जहां चॉपर ऑन है वहां बेटा इंडक्टर चार्ज होगा और जहां डायोड ऑन है वहां इंडक्टर डिस्चार्ज होगा। सो समथिंग लाइक दिस। अब हम सारे पॉइंट्स यहां पे डिस्कस कर लेते हैं। इसको लिख देते हैं बेटा जीरो, this is alpha t, this is t and so on. Somewhere here beta chopper is on, otherwise my dear friend diode is on. ठीक है बेटा, इतने points clear हैं to everyone. अब हम आगे बढ़ते हैं और इसी reference को copy करते हुए आगे हम कहानी को ले लेते हैं. So let me copy this one ताकि waveform बनाना थोड़ा सा आसान हो जाए. So इसको copy करते हैं और यहाँ ले आते हैं. Now ध्यान से समझना बेटा. अब हम अगर बात करें इस point पे, ऊपर उठा लेते हैं, चलिए बात करते हैं बेटा अगले पॉइंट की। तो अगर मैं बात करूं आपसे कि व्हाट विल बी द बेटा सप्लाई करंट वेवफॉर्म, अगर सप्लाई करंट वेवफॉर्म की बात करें IS की, तो IS वेवफॉर्म विल लुक लाइक समथिंग बेटा, देखो ऐसी, देन बेटा सप्लाई करंट विल बी जीरो बिकॉज डायोड इज ऑन और इसके तुरंत बाद फिर से चॉपर ऑन, सो सप्लाई करंट वेवफॉर्म विल लुक लाइक समथिंग। भाई इसमें बेटा यही तो सप्लाई करंट है, उसके बाद डायोड ऑन है तो सप्लाई करंट जीरो हो जाएगा। नाउ हियर बेटा वी कैन राइट IL मिन और यू कैन से बेटा मिनिमम सप्लाई करंट, ओके, और यहां पे कहीं हम बोल सकते हैं IL मैक्स, ठीक है, IL मैक्स। नाउ अगेन बेटा जीरो अल्फा टी लिखा हुआ है। अब इसी में अगर कोई हमसे कहे कि डायोड करंट की बात करनी है, डायोड करंट की बात करनी है, तो वो हो जाएगा बेटा, बात समझिएगा, डायोड करंट की बात करनी हो IDT की, तो IDT बेटा उस रीजन में होगा जिसमें डायोड ऑन है, ओके। तो डायोड कहां ऑन है? यहां। तो कितना डायोड करंट बेटा? फिर डायोड करंट जीरो लाइक दिस, और बिफोर दैट वन डायोड करंट इज आल्सो जीरो। ये रहा आपका डायोड करंट वेवफॉर्म। तो सप्लाई करंट हो गया, डायोड करंट हो गया। नाउ टेल मी ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर बेटा टू एवरीवन। अच्छा, इसके बाद अगर हम बेटा बढ़े तो अब हमें ड्रॉ करना है आई नॉट। क्या आई नॉट की वेवफॉर्म होगी? कैन यू टेल मी? देखो मैंने आपको समझाया था बेटा, अगर आपने ध्यान दिया हो, यू नो वेरी वेल,
when capacitor filter is there, then beta no ripple will pass through the load, okay, of current. So इसका मतलब load current क्या हो गई बेटा? Pure DC. So I not is this. I not is this. So I not response कैसा देखेंगे बेटा? Pure DC. And this value is nothing but beta IL average. Yesterday we have discussed. कल हम लोगों ने इस मुद्दे पे बात की थी. इतनी बात क्लियर है बेटा टू एवरीवन? कोई लोग हल्का हेलो हाय करिए तो फिर मैं और बोलूं बेटा. आई नॉट की बेटा जो वेवफॉर्म होगी दैट विल बी प्योर डीसी. ओके, अब इसके अलावा और क्या क्या हो सकता है? जैसे आईआर की करंट बेटा हम लोग देखें, लोड की करंट देखें, या लोड में जो भी एलिमेंट है उन सबकी करंट बिल्कुल सेम होगी. ओके, अब हमारे पास मुद्दा आ रहा बेटा इंडक्टर वोल्टेज का. अगर आपको याद हो तो हम लोग डिस्कस किए थे बेटा कल इंडक्टर वोल्टेज. इंडक्टर वोल्टेज कैसा दिखेगा? ओके, इंडक्टर वोल्टेज सर जी प्योर स्टेप दिखेगा. ओके, बट एक फर्क होगा, 0 to alpha t इंडक्टर वोल्टेज विल बी पॉजिटिव एंड alpha t to t बेटा इंडक्टर वोल्टेज विल बी नेगेटिव. तो अगर हम लोग इंडक्टर वोल्टेज की बात करें देन इंडक्टर वोल्टेज विल लुक लाइक समथिंग. कल भी डिस्कस किए थे, फिर से मैं बना देता हूं. तो ये रहा बेटा इंडक्टर वोल्टेज शेप, ये रहा इंडक्टर वोल्टेज शेप. तो VLT. नाउ बेटा दिस मैग्नीट्यूड इज नथिंग बट VS माइनस V0, और ये जो मैग्नीट्यूड होगा बेटा दैट इज नथिंग बट माइनस V0. अब हमें पता है बेटा कि इंडक्टर वोल्टेज, बहुत ध्यान सुनिएगा, इंडक्टर वोल्टेज विल बी स्टेप बिकॉज़ करंट इज अ लीनियर रैंप. सो ड्यू टू दिस रीजन बेटा डेफिनेटली इंडक्टर वोल्टेज विल बी ऑलमोस्ट स्टेप. ओके, क्योंकि लगभग लगभग हम ऐसा बोल सकते हैं कि बेटा आउटपुट वोल्टेज में रिपल कम है. ओके, एंड सो ऑन. तो ये कुछ कहानी हो गई. अब हम आते हैं बेटा आउटपुट वोल्टेज पे, जो कि बहुत महत्वपूर्ण टर्म है आउटपुट वोल्टेज. तो एक बार पहले इन इक्वेशन सारी वेवफॉर्म्स को समझ लीजिए, फिर मैं चलता हूं बेटा आउटपुट वोल्टेज पे. सारी वेवफॉर्म को एक साथ समझ लीजिए, फिर मैं चलता हूं बेटा आउटपुट वोल्टेज पे. देखिए सारी करंट और वोल्टेजेस आपके सामने ड्रॉ हो चुके हैं. सारी करंट और वोल्टेजेस बेटा आपके सामने ड्रॉ हो चुके हैं. होपफुली यू आर गेटिंग माई पॉइंट. क्लियर? एक बार बताइए बेटा सारे पॉइंट्स क्लियर हैं टू एवरीवन? सारे पॉइंट्स क्लियर हैं बेटा टू एवरीवन? इतना हार्ड नहीं है बालक, अगर आप ट्राई करें समझें चीजों को तो. चलिए ठीक है, इतनी बात क्लियर है. अब हम बात करते हैं बेटा आउटपुट वोल्टेज की. ओके, अब हम बात करते हैं बेटा आउटपुट वोल्टेज की. आउटपुट वोल्टेज की तो अगली हेडिंग लिखते हैं बेटा आउटपुट वोल्टेज और कैपेसिटर वोल्टेज. आउटपुट वोल्टेज और बेटा कैपेसिटर वोल्टेज, वोल्टेज एंड बेटा कैपेसिटर करंट, दोनों को एक साथ में हमें डील करना पड़ेगा. एंड कैपेसिटर करंट दोनों की बात हम यहां करते हैं. एंड बेटा कैपेसिटर करंट, डन. अब जरा ध्यान से समझिए, अगर मैं आपसे ये कहूं बेटा कि इन अवर कन्वर्टर बेटा यहां कहीं अपने पास एक डायोड लगा हुआ है, देन बेटा वी आर हैविंग सम कैपेसिटर आल्सो, देन बेटा वी आर हैविंग सम कैपेसिटर आल्सो, और मीनवाइल हमारे पास एक इंडक्टर भी है. सो हियर बेटा वी आर हैविंग सम सप्लाई डीसी, देन चॉपर स्विच समवेयर हियर बेटा डायोड, देन इंडक्टर एंड दिस इज अवर कैपेसिटर समवेयर हियर बेटा वी आर हैविंग सम लोड. ओके, वी आर हैविंग सम लोड. तो लोड को हमने यहां ड्रॉ कर दिया. ठीक, इसके साथ साथ अगर हम लोग बात करें अगले मुद्दों की, सो समवेयर हियर बेटा वी आर हैविंग सम एक्साइटेशन BS, दिस इज द चॉपर स्विच, एंड समवेयर हियर बेटा इज अवर फीडबैक डायोड, एंड समवेयर हियर बेटा इंडक्टर ऑफ फिल्टर, दिस इज कैपेसिटर ऑफ फिल्टर एंड लोड. ओके, इसके अक्रॉस वोल्टेज हमने मान लिया बेटा V0, दिस इज I0, दिस इज कैपेसिटर वोल्टेज VC, दिस इज कैपेसिटर करंट IC, दिस इज इंडक्टर करंट ILT एंड सो ऑन. अब मुद्दा ये आया कि सर जी इंडक्टर करंट रिस्पांस क्या है? हम क्या डिस्कस करना चाह रहे हैं बेटा? कैपेसिटर करंट एंड कैपेसिटर वोल्टेज. तो इंडक्टर करंट तो बालक कुछ ऐसा दिखेगा. इंडक्टर करंट तो बेटा जी कुछ ऐसा दिखेगा. देखो इंडक्टर करंट तो कुछ ऐसा दिखेगा, डन. अब हमें ये पता है बेटा IC इज नथिंग बट रिपल ऑफ इंडक्टर करंट. रिपल ऑफ इंडक्टर करंट मतलब अगर इंडक्टर करंट की बात करें बेटा तो ILT is nothing but beta IL average plus beta del IL, and del IL are nothing but a ripple component.
और बेटा वी कैन से एसी कंपोनेंट ऑफ करंट इन लोड। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि यार जितने भी इंडक्टर करंट के रिपल होंगे, मतलब बेटा आईएलटी इक्वल टू अगर हम यहां लिखें आईएल एवरेज प्लस बेटा डेल आईएल, जैसा कल समझाए थे, तो डेल आईएल इससे पास हो जाएगा एंड आईएल एवरेज बेटा इससे पास होगा। तो आईएल एवरेज इक्वल टू आई नॉट एंड डेल आईएल इक्वल टू आईसी। देखो ये रहा इंडक्टर करंट। अब इस इंडक्टर करंट में जरा बात समझना बेटा, मैं इसको लिखता हूं आईएल मिन, इसको लिखता हूं मैं बेटा आईएल मैक्स। ऑब्जर्वेशन करना, आईएल मैक्स एंड दिस येलो कलर विल बी द रिस्पांस ऑफ बेटा इंडक्टर करंट, और इसी में एक व्हाइट कलर से मैं शो कर देता हूं आईएल एवरेज। अब ध्यान देना बेटा आपको क्या चाहिए, आईसी, एंड आईसी इज नथिंग बट बेटा डेल आईएल, आईसी इज नथिंग बट डेल आईएल। यानी कि अगर इंडक्टर करंट से बेटा आईएल एवरेज को जीरो कर दो तो क्या मिलेगा बेटा, इंडक्टर करंट से आईएल एवरेज को जीरो कर दो तो आईसी। इसका मतलब बेटा अगर हम यहां लिखें आईएलटी इज इक्वल टू आईएल एवरेज प्लस बेटा डेल आईएल, और अगर किसी भी टेक्निक से बेटा हम इसको जीरो कर दें तो डेफिनेटली बेटा दिस अमाउंट ऑफ करंट विल बी आईसी कैपेसिटर करंट। इसके लिए हम एक काम कर रहे हैं बेटा, इस डीसी फंक्शन को, इंडक्टर के एवरेज वैल्यू को अगर इससे विथड्रॉ कर लें तो ये निकल गया बाहर। विथड्रॉ करने का मतलब बेटा इसको क्या बना दे, जीरो बना दे, सॉरी इसको क्या बना दे बेटा, जीरो बना दे। ध्यान देना, जीरो बना दिया तो यही रेफरेंस हो गया। सॉरी अब बेटा जीरो बनाने का मतलब क्या है कि हम यहां पे लिख सकते हैं दिस वैल्यू बेटा इज आईएल मिन माइनस बेटा आईएल एवरेज, डन करें, और ये वैल्यू क्या लिख सकते हैं बेटा आईएल मैक्स माइनस आईएल एवरेज, क्योंकि आईएल एवरेज दोनों से घटा रहे हैं तो आईएल मैक्स बेटा माइनस आईएल एवरेज, डन ना। ये रहा येलो कलर फंक्शन, और इसको लिख देते हैं बेटा नाउ टाइम रिस्पॉन्स टी, सॉरी एक्सिस टी। ये वाला जो हो गया अब तो ये अपना रेफरेंस हो गया क्योंकि बेटा जीरो से स्टार्ट हो रहा है, तो इसलिए आप इस चीज को हटा दें। अब देखो आपने क्या कर दिया, इंडक्टर करंट नाउ कन्वर्टेड इनटू बेटा कैपेसिटर करंट, इंडक्टर करंट नाउ कन्वर्टेड इनटू बेटा कैपेसिटर करंट। होपफुली दिस ब्यूटी इज क्लियर। ये क्या बन गया बेटा आपका कैपेसिटर करंट, ये क्या बन गया बेटा आपका कैपेसिटर करंट। नाउ टेल मी दिस थिंग इज क्लियर, सो दिस इज द बेटा वे टू रिप्रेजेंट और टू ड्रॉ द कैपेसिटर करंट, टू ड्रॉ द बेटा कैपेसिटर करंट। एक बार बताओ क्लियर है, हो गया ना बेटा पॉइंट। अब मेरा अगला क्वेश्चन है, आप बताना आराम से सोच के बेटा, किस रीजन में कैपेसिटर चार्ज होगा और किस रीजन में कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा। मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं बेटा, ये जो इंस्टेंट है ये था अल्फा टी और ये जो इंस्टेंट है वो है टी। ओके, सो समवेयर हियर बेटा जी चॉपर इज ऑन एंड इन द रेस्ट पीरियड बेटा डायोड इज ऑन, क्लियर ना, चॉपर इज ऑन एंड डायोड इज ऑन, सो दिस इज द रिस्पॉन्स ऑफ योर कैपेसिटर करेंट। अब बताओ बेटा आपको क्या लगता है कि कहां पे कैपेसिटर चार्ज होना चाहिए और कहां पे डिस्चार्ज होना चाहिए। मैं आपको कुछ और इंस्टेंट दे देता हूं फॉर द ब्यूटी ऑफ दिस कंसेप्ट, और मैं लिख देता हूं बेटा जीरो तो है ही है, ये टी वन लिख देता हूं, अल्फा टी है, ये टी टू लिख देता हूं, ये टी है बेटा, ये टी है, और इसे मैं समथिंग टी थ्री लिख देता हूं, ठीक है। Now, can you tell me in which region, beta, our capacitor will charge or discharge with the help of this, beta, time instant analysis? Yes, everyone tell me fast, beta. Yeah, चार पांच लोग हो, कोई तो बोलो। कोई तो बोलो बेटा। आप कहेंगे सर जी इतनी बात क्लियर है, चलो मैंने मान लिया बेटा इतनी बात आपको क्लियर है, डन। अब जरा देखो बेटा T1 से लेके T2 तक कैपेसिटर करंट क्या है, पॉजिटिव, एंड बेटा T2 से लेके T3 तक कैपेसिटर करंट क्या है, नेगेटिव। तो क्या हम ऐसे लिख दें फ्रॉम दिस एनालिसिस, तो ऐसे लिख देते हैं बेटा फ्रॉम कैपेसिटर करंट, फ्रॉम बेटा कैपेसिटर करंट वेवफॉर्म, वेवफॉर्म वी कैन राइट बेटा, वी कैन राइट T1 टू T2, T1 टू T2, सॉरी T1 टू T2 बेटा IC is positive, IC is beta positive, and from T3 to T4 beta IC is negative, IC is negative from T3 to beta T5, okay, T sorry T2 to T5, T2 to T3 beta, T2 to T3, okay, देखो T1 से T2 beta current positive है,
स्लोप में बचाओ, करंट की डायरेक्शन क्या है, पॉजिटिव है बेटा, एंड T2 से T3 करंट क्या है, नेगेटिव है। सो बेटा पहले ये दो पॉइंट आपको क्लियर हो जाने चाहिए यहां पे। सो T1 टू T2 IC इज पॉजिटिव एंड T2 टू T3 बेटा IC इज नेगेटिव। IC क्या है, नेगेटिव है, ओके। चलिए आगे बढ़ते बेटा, अगला पॉइंट बहुत ही सरलता से समझिए। अगर मैं ये कहूं बेटा कि कैपेसिटर करंट पॉजिटिव है और एक कैपेसिटर को अपने ये ले लिया हमने, जो लोड में लिया है बेटा, ये रहा जो लोड में लिया है ये कैपेसिटर, तो देखो जब कैपेसिटर करंट पॉजिटिव है बेटा तो करंट मान लीजिए बेटा डाउनवर्ड फ्लो हो रही है, और जब कैपेसिटर करंट नेगेटिव है तो मान लीजिए बेटा करंट अपवर्ड फ्लो हो रही है, ओके। अब यहां पे देखें तो बेटा प्लस माइनस तो हमेशा फिक्स ही रहेगा, सो दिस वोल्टेज पोलैरिटी इज नॉट गोइंग टू बी चेंज। यानी कि एक बात कंफर्म है बेटा, कैपेसिटर वोल्टेज हियर, ऐसे लिख देते हैं बेटा हियर, कैपेसिटर वोल्टेज VCT will always be a positive value, will always बेटा क्या रहना वाला है, positive value greater than or equal to zero, will always be बेटा positive value, done। अगले point पे जाइए, अगर हम यहाँ current देखें बेटा तो ये current क्या है downward और ये current क्या है upward, यानी कि अगर बेटा हम इस region में देखें तो यहाँ पे कहीं capacitor charge होगा in the range of T1 to T2 and T2 to T3 capacitor will discharge, तो ऐसा कुछ है तो ये पीरियड हुआ बेटा T1 से T2 इन विच कैपेसिटर विल चार्ज, इन विच बेटा कैपेसिटर विल चार्ज, और यहां पे आए तो T2 से T3 यहां बेटा करंट विल फ्लो नेगेटिव टू पॉजिटिव, सो कैपेसिटर विल डिस्चार्ज। होपफुली दिस थिंग इज क्लियर, सो हियर कैपेसिटर चार्ज, हियर कैपेसिटर डिस्चार्ज, आई थिंक ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर। अब हमें ये भी पता चल गया बेटा कि कहां पे कैपेसिटर चार्ज है और कहां पे कैपेसिटर डिस्चार्ज है। नाउ इतने पॉइंट पे क्या हम ये नहीं बता सकते कि कैपेसिटर का वोल्टेज क्या होगा? नाउ सी प्रॉपरली बेटा, कैपेसिटर डज नॉट अलाउ सडन चेंज ऑफ वोल्टेज, आपको पता है, तो ऑब्जर्वेशन करें, अगर मैं करंट को ड्रॉ करूं बेटा कैपेसिटर करंट को, तो करंट कैपेसिटर की कुछ ऐसी दिखेगी, ऑब्जर्वेशन करना, कैपेसिटर की करंट बेटा कुछ ऐसी दिखेगी, और यहां पे मैं कुछ लाइनें ड्रॉ कर लेता हूं ऐसे, जस्ट गिव मी फ्यू सेकंड, यहां पे लाइनें ड्रॉ कर लेता हूं बेटा कुछ ऐसे, ऐसे और ऐसे, इसके साथ साथ डिफरेंट कलर से, और क्योंकि ये बेटा आपका अल्फा टी है, ये आपका टी है, एंड सो ऑन एंड सो ऑन, ये कुछ लाइनें हमने ड्रॉ कर ली टू ड्रॉ दी कैपेसिटर वोल्टेज। तो ये जो पिंक कलर वेवफॉर्म, वॉलेट कलर वेवफॉर्म देख रहे हैं, ये आपकी कैपेसिटर करंट है, तो कैपेसिटर वोल्टेज आपको कैसा दिखेगा, तो कैपेसिटर वोल्टेज आपको कैसा दिखेगा, नाउ बेटा दिस इज जीरो समवेयर हियर, वी कैन राइट अल्फा टी, दिस इज टी एंड सो ऑन। अब इसको हमने बेटा T1 माना था, इसको हमने T2 माना था, इसको हमने T3 माना था, ठीक है। अब जरा समझिए कैपेसिटर वोल्टेज लगभग कैसा दिखेगा, कैपेसिटर वोल्टेज बेटा लगभग कैसा दिखेगा, देखो यहां पे कैपेसिटर करंट पॉजिटिव, तो कैपेसिटर वोल्टेज विल लीनियरली राइज, ऑलमोस्ट लीनियर फंक्शन, व्हाई, बिकॉज़ फ्रीक्वेंसी इज समवॉट हाई। नाउ बेटा यहां पे कैपेसिटर वोल्टेज कैसा दिखेगा, देखो डिके, यहां पे कैपेसिटर वोल्टेज कैसा दिखेगा बेटा, डिके, ऐसा मान ले, इसके बाद फिर करंट पॉजिटिव, तो राइजिंग, दिस इज द बेटा फंक्शन ऑफ योर कैपेसिटर वोल्टेज, नाउ दिस इज द रिस्पांस ऑफ योर बेटा कैपेसिटर वोल्टेज, और ये जो व्हाइट कलर बना है बेटा यही आपका VCT बोल लो या V0 बोल लो, एक ही बात है। नाउ कल डिस्कस किए थे बेटा V0 एवरेज क्या आ रहा था, याद करो अल्फा इनटू VS, अगर V0 एवरेज बेटा अल्फा इनटू VS है, अल्फा इनटू बीएस है जस्ट गिव मी टू सेकंड अल्फा इनटू बीएस है तो ये वी नॉट एवरेज बेटा इसके बीच में कहीं होगा, ये वी नॉट एवरेज इसके बीच में कहीं होगा, तो इसको लिख देते हैं बेटा ब्लू कलर को अल्फा इनटू बीएस इज नथिंग बट बेटा इज नथिंग बट वी नॉट एवरेज और वीसी एवरेज, क्या लिख सकते हैं बेटा वी नॉट एवरेज और वीसी एवरेज, होपफुली दिस थिंग इज क्लियर। अच्छा ये जो वैल्यू आई है बेटा इसको लिखते हैं वीसी मैक्स, और ये जो वैल्यू आई है बेटा इसको लिखते हैं वीसी मिन, ना हो गया आपका आउटपुट वोल्टेज, लेकिन आउटपुट वोल्टेज डायरेक्ट सर्किट से ड्रॉ करना थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, सो विद द हेल्प ऑफ कैपेसिटर करंट वी कैन इजीली ड्रॉ इट, सो कैपेसिटर वोल्टेज विल ऑलवेज अपीयर ओनली इन द पॉजिटिव पोर्शन, वेयर इज बेटा कैपेसिटर करंट विल अपीयर इन द पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव पोर्शन, सो दिस फंक्शन बेटा बिलोंग्स टू कैपेसिटर करंट ICT, ऑब्वियसली दिस वैल्यू विल बी IL मैक्स बेटा माइनस IL एवरेज, और ये जो वैल्यू होगी ये वाली ये हो गई बेटा IL min माइनस IL एवरेज, इतनी बात हम लोग क्लियर कर चुके हैं, ये रहा आउटपुट वोल्टेज का फंक्शन एंड सो ऑन।
एंड सो ऑन। एक बार सभी लोग बताइए बेटा, अभी तक के सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? यस एवरीवन प्लीज टेल मी फास्ट, अभी तक के सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? ये रहा बेटा आउटपुट वोल्टेज इन स्टेप डाउन चॉपर। तो अब इसको जरा समझो और इसके बेस पे हम आउटपुट वोल्टेज ड्रॉ कर देते हैं अगर आप चाहो तो यहाँ पे, अदरवाइज नीड तो नहीं है क्योंकि वहां ड्रॉ हो गया है, अब यहाँ नहीं है। तो अगर आप चाहो तो मान लो रफली, तो रफली आप ऐसे ड्रॉ कर दो बेटा, यहाँ पे रफली आप ऐसे ड्रॉ कर दो, समथिंग डिक्रीजिंग अप टू सम सर्टेन टाइम बेटा, देन इंक्रीजिंग देन डिक्रीजिंग। दिस इज द बेटा कैपेसिटर वोल्टेज ओके और आउटपुट वोल्टेज। तो इस वैल्यू को लिख सकते हैं हम VC max, इस वैल्यू को लिख सकते हैं बेटा VC में, and V0T will also be equal to VC। ये रहे सारे responses, okay, on the screen। सारे responses एक साथ बेटा, of the step down chopper with filter, of the बेटा step down chopper with filter। अब बताओ कहानी क्लियर है? क्लियर बेटा? All the points। तो ये सारी वेवफॉर्म हो गई, ये सारी पॉइंट्स हो गए जो भी हम डिस्कस कर सकते थे बेटा। कल हम लोगों ने V not average, I not average डिस्कस किया था, कुछ फॉर्मूले और डिस्कस किए थे। अब हम बात करने जा रहे हैं बेटा IL average की फिर से, या I not average की। तो बहुत ध्यान से सुनिएगा, पहला पॉइंट मैं लिख देता हूं फिर से बेटा, V not average और एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज, एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज कल डिस्कस किए थे, आज भी लिखते हैं बेटा। वोल्ट सेकंड बैलेंस क्राइटेरिया से V not average हम लोग क्या निकाले थे, अल्फा इनटू Vs। व्हाट वी अज्यूम बेटा, वी अज्यूम दैट इंडक्टर करंट इज कंटीन्यूअस ओके। यहीं से आगे बढ़े तो अब हमारा मुद्दा आया बेटा IL एवरेज का या I not average का। तो मैं ऐसे लिख देता हूं बेटा, एवरेज वैल्यू ऑफ इंडक्टर करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ इंडक्टर करंट, इंडक्टर बेटा करंट। अच्छा इंडक्टर करंट की एवरेज करंट या एवरेज वैल्यू और लोड की एवरेज करंट दोनों इक्वल होंगी, तो और लिख दें, और एवरेज वैल्यू ऑफ आई नॉट दैट मींस लोड करंट, एवरेज वैल्यू ऑफ लोड करंट। आप ध्यान देना बेटा, आपने एक फॉर्मूला तो मुझसे समझ लिया कि अगर सर, बहुत ध्यान सुनना, अगर सर हम लोग डायरेक्ट देखें, मान लीजिए लोड बेटा इन दिस कन्वर्टर, जस्ट लेट मी कॉपी दिस वन ओके। अगर हम इस सर्किट की बात करें सर जी, तो इसमें लोड क्या हो सकता है ज्यादा से ज्यादा सर जी, आर होगा या आर ई होगा समथिंग। भाई इंडक्टर तो ऑलरेडी आ गया ना पिक्चर में बेटा, तो अब लोड के इंडक्टर को कंसीडर करने की नीड नहीं है एनालिसिस में, मैथमेटिकल जॉब में। तो अगर मैं यहां पर बात करूं बेटा, तो लोड में आपकी दो चीजें हो सकती हैं ओके। इंडक्टर को भूल जाइए, आप कोई मतलब नहीं उसका, या तो आर या आर ई। और अगर ये V not average आ चुका है बेटा, तो ये करंट निकाल सकते हैं। So therefore directly बेटा we can write I not average is equal to बेटा simply V not average minus E by R is the one formula। लेकिन कभी कभी एग्जामिनेशन में ऐसा होगा बेटा, वो डायरेक्ट आपको इस बेस पे पूछेंगे नहीं, आपको लोड की इंफॉर्मेशन ही नहीं देंगे। और अगर लोड की इंफॉर्मेशन नहीं दी तो फिर आप कैलकुलेट नहीं कर सकते। अब आप कहेंगे सर आर लोड हुआ तो E को जीरो कर देना, V not average by R हो गया। क्वेश्चन आता है दूसरा, क्या सर हम इंडक्टर करंट से एवरेज करंट निकाल सकते हैं लोड की, इसको समझते हैं बेटा। देखो ये रहा इंडक्टर करंट शेप, समझ गए ना, ये रहा इंडक्टर करंट शेप। अब इंडक्टर करंट शेप में अगर हम जाएं बेटा, तो ये करंट आपकी आईएल मैक्स थी, ये करंट क्या थी बेटा आईएल मैक्स। तो इसको फिर से लिख लेते हैं आईएल मैक्स, ध्यान देना आईएल मैक्स, ये हो गया बेटा आईएल मे और ये हो गया आईएलटी इस डन आईएलटी डन। अच्छा इस डिफरेंस को हम लोग क्या बोले थे आपको याद हो, तो डेल आईएल, डेल आईएल। अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी बेटा जी, कि आईएल एवरेज ही आई नॉट है और आईएल एवरेज ही बेटा आई नॉट है, ये बात भी हम लोग कर चुके हैं। अब आप मुझे इसकी एवरेज वैल्यू बताइए आईएल की बेटा, आई नॉट को भूल जाइए। सो फ्रॉम एरिया कंसेप्ट, फ्रॉम बेटा एरिया कंसेप्ट, एरिया कंसेप्ट ओके, व्हाट वी कैन राइट आई एल एवरेज इज इक्वल टू बेटा टोटल एरिया कवर्ड बाय द इंडक्टर करंट इन वन साइकिल। तो टोटल एरिया ऑफ बेटा वन साइकिल और पर साइकिल डिवाइडेड बाय टाइम पीरियड ओके। नाउ एरिया क्या होगा, ऑब्जर्वेशन करते रहे बेटा, एरिया क्या होगा। तो अगर हम लोग ऐसा कुछ कर दें कि मान लीजिए ये एक रेफरेंस ले लिया और यहां पे करंट की वैल्यू क्या है बेटा आईएल में,
तो देखिए अपने पास तीन चीजें हो गई, क्या क्या जरा समझिए, क्या क्या जरा समझिए। ये बेटा देखो कितने, एक सेकंड बस रुकिएगा, ये यहां पे हम लिख सकते हैं बेटा जीरो, दिस इज नथिंग बट अल्फा टी, दिस इज नथिंग बट बेटा टी। सो ये चॉपर ऑन, ये डायोड ऑन। नाउ बेटा एक ट्रायंगल, ये ग्रीन कलर का जो दिख रहा है, एक ट्रायंगल बेटा ये और एक रेक्टेंगुलर ये तीनों एरिया पता चल जाए तो हम इजिली एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं। देखो इतना ट्रायंगल बेटा एक ऐसे, ठीक है ना। दूसरा ये मान लो बेटा येलो कलर का ट्रायंगल, दूसरा ये और तीसरा बेटा रेक्टेंगुलर ये मान लो, ये तीनों एरिया हमें निकालने हैं। ये तीनों एरिया निकल आए तो इंडक्टर की एवरेज करंट भी आ जाएगी, तो इंडक्टर की बेटा एवरेज करंट भी आ जाएगी। जरा लिखिए बेटा क्या हो जाएगी। ओके हाय प्रकाश बेटा, तो अब देखिए क्या हो जाएगा। सो व्हाट वी कैन राइट बेटा, आईएल एवरेज इज इक्वल टू एरिया वन, ये तो ट्रायंगल है ना बेटा, तो क्या लिख सकते हैं, हाफ इनटू हाइट इनटू बेस। हाइट कितनी बेटा, डेल आईएल, बेस कितना है अल्फा टी ओनली, सो हाफ इनटू डेल आईएल इनटू बेटा अल्फा टी इज फर्स्ट एरिया। चेक करते रहो इस बेटा, फर्स्ट एरिया आईएल एवरेज डन प्लस बेटा सेकंड एरिया अब दिस ट्रायंगल, इसका भी क्या हो जाएगा, हाफ इनटू डेल आईएल इनटू बेटा दिस डिफरेंस, सो इट इज नथिंग बट 1 माइनस अल्फा इनटू टी। अब बचा बेटा रेक्टेंगुलर एरिया प्लस आईएल मिन इनटू हाइट इनटू बेस ओनली बेटा, आईएल मिन इनटू कैपिटल टी एंड डिवाइडेड बाय बेटा जी वी कैन राइट कैपिटल टी इज द एवरेज वैल्यू। नाउ अगला पॉइंट बेटा चेक करते रहना, देखो हाफ इनटू डेल आईएल, हाफ इनटू डेल आईएल, जरा इसको रीअरेंज करें तो इसको लिख सकते हैं बेटा हाफ इनटू डेल आईएल इनटू अल्फा टी, यहां से आओ बेटा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं प्लस हाफ इनटू डेल आईएल, या एक काम करें बेटा हाफ डेल आईएल कॉमन ले लें वो ज्यादा अच्छा रहेगा, हाफ डेल आईएल कॉमन ले लें, तो हाफ डेल आईएल कॉमन लिया बेटा बस इतना, हाफ डेल आईएल। नाउ यहां से क्या बचा बेटा अल्फा टी, यहां से अल्फा टी और यहां से हाफ डेल आईएल बाहर निकला तो 1 माइनस बेटा अल्फा इनटू टी प्लस रेस्ट ऑफ एज इट इज रखा आईएल मीन इनटू टी। नाउ बेटा दिस टोटल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय टी, चेक करो इतनी बात ठीक है। नाउ बेटा इसको जरा रीअरेंज कर दो अंदर वाले ब्रैकेट को, तो ये हो जाएगा ब्रैकेट हाफ डेल आईएल इन ब्रैकेट बेटा अल्फा इनटू टी प्लस बेटा वी कैन राइट प्लस टी माइनस बेटा अल्फा टी, देन अल्फा टी एंड अल्फा टी कैंसिल, तो आईएल मिन इनटू टी डिवाइडेड बाय बेटा टी, चेक कर लेना कैलकुलेशन। नाउ नेक्स्ट पॉइंट व्हाट वी कैन राइट बेटा, अल्फा टी एंड टी, अल्फा टी कैंसिल। नाउ बेटा टी और टी कॉमन ले लें तो दिस टी भाई यहां से टी कॉमन आ जाएगा, सो दिस टी एंड दैट टी आर आल्सो कैंसिल। नाउ ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, फाइनली बेटा हाफ डेल आईएल और कुछ नहीं बचा एंड आईएल मिन, हाफ डेल आईएल, हाफ इनटू डेल आईएल क्या होता है बेटा आईएल मैक्स माइनस आईएल मिन एज आई टोल्ड यू अर्लियर बेटा प्लस आईएल मिन, ओके डन इज द एवरेज वैल्यू। अब देखो आईएल मिन और हाफ आईएल मिन ऑब्वियसली सो पॉजिटिव हाफ आईएल मिन बच जाएगा, इसका मतलब फाइनली लिख सकते हैं बेटा आईएल मैक्स प्लस आईएल मिन डिवाइडेड बाय 2 इज नथिंग बट IL average, ये क्या हो गया बेटा IL average, और as we know that IL average will also be equal to बेटा I not average, ये किसके equal हो जाएगा I not average के equal हो जाएगा, hopefully this thing is clear to everyone। तो कभी कभी बेटा वो direct नहीं पूछेंगे, indirect पूछेंगे, तो हमें ऐसे deal करना है, okay? अब आप कहेंगे सर तो I not average का दूसरा formula क्या है, तो वो भी तो discuss किया बेटा, और this quantity also equal to बेटा this quantity also equal to beta, we can write V not average minus E divided by R, agar E hai to, agar E nahi hai to E ko zero rakh dena, beta V not average by R, this is the I not average, I not average always will be equal to IL average, just keep in mind, just keep in mind। Now beta, bataiye sare points clear hai till now, sare points clear hai beta till now, IL average aa gaya, in terms of this, अब अगर हम इसी बेस पे बात करें बेटा सो वी कैन कैलकुलेट डिफरेंट टाइप ऑफ करंट्स आल्सो, फॉर एग्जांपल सप्लाई एवरेज करंट, चॉपर एवरेज करंट, डायोड एवरेज करंट, आरएमएस करंट एंड सो ऑन, किसी भी टाइप का क्वेश्चन गेट एग्जामिनेशन में आ सकता है। अब मैं आपसे अगला पॉइंट रखना चाह रहा हूं बेटा, कैन यू टेल मी सप्लाई एवरेज वैल्यू ऑफ सप्लाई करंट, यस एवरीवन बेटा कैन यू टेल मी एवरेज वैल्यू ऑफ सप्लाई करंट, स्टार्ट करो एवरेज वैल्यू ऑफ सप्लाई करंट,
एवरेज वैल्यू ऑफ सप्लाई करेंट, एंड सप्लाई करेंट और चॉपर करेंट बोथ आर इक्वल, और बेटा चॉपर करेंट, ओके, और बेटा चॉपर करेंट, ध्यान समझिए, और चॉपर करेंट। आपने कहा सर मजाक कर रहे हो आप, तो ये तो बड़ा आसान है, हमें पता है IL इज कंटिन्यूअस। IL क्या है सर जी? कंटिन्यूअस है। IL अगर कंटिन्यूअस है तो सर वी नॉट एवरेज का फॉर्मूला आया था अल्फा इनटू बीएस, तो हम इसको ऐसे लिख दें इज इक्वल टू दिस, और इसको सर हम ऐसे लिख दें IS एवरेज बाय I नॉट एवरेज, भाई ये भी तो सही है, बिकॉज इनपुट पावर इक्वल टू बेटा आउटपुट पावर, तो ये एक ट्रांसफार्मर एक्शन से या चॉपर एक्शन से आ जाता है। तो V0 by BS equal to beta IS by I0 and all quantities are average. तो अगर हमें I0 average पता है, तो IS average क्या होगा बेटा? देखो, IS average क्या होगा? Therefore, IS average is very easy beta, and we can write alpha into I0 average. Done. Alpha into I0 average. लेकिन अब क्वेश्चन ये आया कि सर अगर IL max और IL min के रिस्पेक्ट में निकाले तो कैसे करेंगे? तो हमने कहा अल्टरनेट मेथड लो। अल्टरनेट मेथड बेटा कुछ ऐसा हो जाएगा, चेक करो पहले तो सप्लाई करंट वेवफॉर्म होगी कैसी। आपने कहा सर देखो बड़ा आसान है, ऐसी होगी, फिर जीरो बिकॉज डायोड ऑन, फिर सर ऐसी होगी रिपीटेड, तो ये हो गई सप्लाई करंट वेवफॉर्म IST, और यू कैन से बेटा चॉपर करंट ICGT। ये जो वैल्यू है बेटा ये है IL max, ये जो वैल्यू है बेटा वो है IL min, और ये जो डिफरेंस है यहां से यहां तक का इसे हम बोलते हैं डेल IL, एंड बेटा जीरो अल्फा टी चॉपर ऑन डायोड ऑन, दिस इज द। अब इसको निकालना तो यार और आसान है, अगर हम इसी फंक्शन से निकालें तो क्या हो जाएगा? देयरफॉर बेटा IS एवरेज और ICH एवरेज बोथ विल बी इक्वल एंड इक्वल्स टू, बेटा एक एरिया तो इतना रहा, देखना एक एरिया तो बेटा ये रहा येलो कलर का, और एक एरिया बेटा ये रहा पिंक कलर का, दो ही तो है बाकी तो जीरो है, तो इन दो एरिया को निकाल लेते हैं। एरिया वन एरिया टू निकालो जरा, एरिया वन इज इक्वल टू बेटा एरिया वन क्या हो जाएगा? हाफ इंटू हाइट इंटू समथिंग, सो हाफ इंटू बेटा डेल आई एल इंटू बेटा अल्फा टी, डन फर्स्ट एरिया। सेकेंड एरिया बेटा रेक्टेंगुलर, सो प्लस आई एल मिन इंटू बेटा अगेन अल्फा टी एंड डिवाइडेड बाई टी, हो गया डन। नाउ बेटा टी 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 कैंसिल, सो इसको लिख दे हाफ डेल आई एल प्लस बेटा आई एल मिन ओनली अल्फा बाहर निकाल, इसको ऐसे लिखते बेटा, so we can write alpha bracket del IL is nothing but बेटा IL max minus IL min divided by ये two as it is रहेगा plus बेटा IL min, okay ये रहा done। अब आगे बढ़ते बेटा, alpha into IL something बेटा will be IL max plus बेटा IL min divided by क्या हो जाता है two। अच्छा आपने गौर फरमाया हो तो ये ऊपर प्रूफ किया था ये क्वांटिटी किसके इक्वल है बेटा, अल्फा इनटू आईएल एवरेज, और आईएल एवरेज किसके इक्वल होता है बेटा आई नॉट एवरेज, वही ऊपर वाला रिलेशन आ गया जो हम वहां से डायरेक्ट लिखे थे यहां से बेटा प्रूफ करके लिख दिए, बस इतना फर्क है। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ बेटा आवर सप्लाई करंट एवरेज और चॉपर करंट एवरेज, सप्लाई करंट एवरेज और चॉपर करंट एवरेज, तो ये हो गया बेटा आईएस एवरेज और चॉपर करंट एवरेज, बोथ आर सेम थिंग, ऐसे निकालेंगे एग्जामिनेशन में। आप बताओ क्लियर है ऑल द पॉइंट्स? सभी को ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर? अब ऐसे ही अगर बेटा आप कहते तो डायोड करंट भी तो निकाल सकते, देखो यहां से ये करंट आ गई, लोड करंट आ गई, सप्लाई करंट आ गई, जो भी निकालनी थी एंड सो ऑन आ गया, एंड द सिमिलर वे बेटा वी कैन कैलकुलेट एवरेज करंट ऑफ डायोड। सो लास्ट पॉइंट बेटा वी वांट टू डिस्कस, लास्ट पॉइंट वी वांट टू डिस्कस, तो अगला पॉइंट मैं ये लिख रहा हूं एवरेज करंट ऑफ डायोड, एवरेज करंट ऑफ डायोड, ओके। तो नेक्स्ट पॉइंट इज बेटा एवरेज करंट ऑफ डायोड, एवरेज करंट ऑफ डायोड, ओके, एवरेज करंट ऑफ डायोड। अच्छा बेटा डायोड की जो करंट शेप होगी वो कैसी बनेगी? देखो आसान है, जीरो से लेके बेटा बहुत ध्यान सुनिए, जीरो से लेके अल्फा टी डायोड इज ऑफ, अदरवाइज बेटा डायोड ऑन, और डायोड की करंट मैक्सिमम से शुरू होके मिनिमम पे खत्म होगी एंड अगेन जीरो, समथिंग लाइक दिस। ये हो गया बेटा डायोड करंट IDD। नाउ बेटा अभी डिस्कस किए थे सेम, सो ये हो गया IL max, ये हो गया बेटा अपना IL min, ये इंस्टेंट जीरो, अल्फा टी चॉपर ऑन एंड अल्फा टी टू टी डायोड ऑन, सो दैट्स व्हाई द रिस्पांस विल लुक लाइक समथिंग।
अगेन बेटा दिस डिफरेंस इज नथिंग बट मैक्स माइनस आई एल मिन, बाकी आइडिया आपको है ही, क्लियर है, आगे बढ़े इसी को लेके। नाउ बेटा ऑब्जर्वेशन करना क्या होगा रिश्ता आईडी एवरेज का, सो देयरफॉर बेटा आईडी एवरेज, सो आईडी एवरेज वी कैन राइट हियर, आईडी एवरेज इज नथिंग बट बेटा एरिया, तो एरिया फिर से दो अपने पास मिल गई, लगभग दो मिल गए, देखो एक ये बेटा पिंक कलर एरिया ए वन, एक मान लेते हैं बेटा दूसरा व्हाइट कलर एरिया ए टू, दिस वन, तो एरिया ए वन और ए टू को हम ऐसे लिख सकते हैं बेटा, एरिया ए वन ए टू, तो लिखो एरिया ए वन बेटा हाफ इंटू डेल आई एल इंटू बेटा सी वन माइनस एल्फा इंटू टी, वन माइनस एल्फा इंटू टी प्लस बेटा दिस रेक्टेंगुलर एरिया आई एल मिन, हाइट इज आई एल मिन इंटू बेटा विड्थ इज वन माइनस एल्फा टी डिवाइडेड बाई ऑब्वियसली टाइम पीरियड। नाउ बेटा टी 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 कैंसिल, वन माइनस एल्फा वी कैन टेक कॉमन, तो देखो टी 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 कैंसिल एंड हियर बेटा आउटसाइड वन माइनस एल्फा इज दिस वन इन ब्रेकेट, अब क्या बचा हाफ डेल आई एल बेटा प्लस आई एल मिन, अगेन द वैल्यू इज नथिंग बट दिस आई एल मैक्स प्लस बेटा आई एल मिन डिवाइडेड बाई टू, डिवाइडेड बाई टू, होपफुली दिस थिंग इज क्लियर, डिवाइडेड बाई टू, डन करें बेटा। नाउ ये वैल्यू किसके इक्वल होती है आई एल एवरेज, तो हम लिखते वन माइनस एल्फा इन टू बेटा आई एल एवरेज, और आई एल एवरेज किसके इक्वल होता है आई नॉट एवरेज के, तो फाइनली आई डी एवरेज जो है बेटा वो आ गया आपका 1 माइनस एल्फा इंटू आई नॉट एवरेज, और यू कैन से बेटा 1 माइनस एल्फा इंटू आई एल एवरेज, बस कितना फर्क है सप्लाई एवरेज करेंट बेटा एल्फा इंटू आई नॉट एवरेज, वेयर एज डायोड एवरेज करेंट 1 माइनस एल्फा इंटू आई नॉट एवरेज, इज सिमिलर टू बेटा विदाउट फिल्टर, इज सिमिलर टू बेटा विदाउट फिल्टर, यानी कि कोई चेंज नहीं हुआ, बस इतना चेंज हुआ विदाउट फिल्टर समटाइम्स वी कंसीडर लीनियर रिस्पांस, समटाइम्स वी कंसीडर एक्सपोनेंशियल रिस्पांस ऑफ इंडक्टर करंट, बट विद फिल्टर वी ऑलवेज कंसीडर लीनियर रिस्पांस ऑफ द इंडक्टर करंट। नाउ होपफुली द थिंग्स आर क्लियर टू एवरीवन, क्लियर बेटा। इतनी बातों के बाद अब हम कल बात करेंगे क्रिटिकल वैल्यू ऑफ इंडक्टेंस एंड क्रिटिकल वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस टू आइडेंटिफाई बेटा वेदर इंडक्टर करंट विल बी कंटीन्यूअस और नॉट, ओके, तो इस पे हम लोग कल काम करेंगे। चलिए, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।